Data entry. So most of you guys are asking for the data entry job. So this is the best opportunity here coming from the government organization. So in this video we are going to see the apply karoge That is how you can apply for this application and is my criteria and what will be the selection process. And at the end, we will also see how to fill out the application form. So, this video will bi skip now watch it till the end. So, let's begin with today's job update. So, the organization name is SSC, that is Staff Selection Commission, and the exam they will conduct is CHSL. And the post they are hiring for is Lower Division Clerk, Junior Secretary Assistant, Data Entry Operations. So, these are the three posts they are hiring for. And the salary here you will be getting in between 19,000 to 92,000 per month, depending upon the post. And the total number of posts they are hiring for is 3,712 posts. The job location is going to be across India and the batches that can apply for this application is 2024 and below batch can easily apply and the last date to apply for this application is 7th may 2024 so apply before that okay so let's see the qualification requirement so for the post of data entry so isme have 12th pass in science with mathematics and for the ldc and jsa this koi bhi 12th pass koi stream se easily apply kar सो टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट सो जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो एटीन ईयर्स है एंड द मैक्सिम एज रिक्वायरमेंट इज ट्वेंटी सेवन ईयर्स फॉर दिस जनरल कैटेगरी एंड फॉर अदर कटेगरीज दर इज अ एज लैक्सेशन एज पर दवर्मेंट नॉम सो फॉर मोर डिटेल यू कैन डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो लेट सी दी सैलरी डिटेल्स सो फॉर द कलक्ट डिविजन सी एल डी सी एंड फॉर द सेक्रेटरेट जे एस ए जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो बिटवीन नाइनटीन थाउजेंड टू सिक्सटी थ्री थाउजेंड रहने वाली है एंड फॉर दी डेटा एंट्री ऑपरेशन दैट इज़ डी ई ओ जो आपकी सैलरी रहेगी वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर एटी वन थाउजेंड और या ट्वेंटी नाइन थाउजेंड से लेकर नाइन्टी टू थाउजेंड के बीच में रहेगी एंड फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेशन ग्रेड है जो आपकी सैलरी रहने वाली हो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर एटी वन थाउजेंड के बीच में रहेगी सो लेट्स सी दी सिलेक्शन प्रोसेस सो यू हैव टू गो थ्रू दी थ्री स्टेजेस सो द फर्स्ट वन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम एंड द सेकंड वन विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड द थर्ड वन विल बी स्किल टेस्ट और द टाइपिंग टेस्ट इफ यू क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दैट इज टेस्ट वन दें यू विल बी एलिजिबल फॉर द टायर टू टेस्ट दैट इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इफ यू बोथ क्वालिफाई टेस्ट देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द टाइपिंग टेस्ट और द स्किलेस्ट जो सिलेबस है उसका पी डी एफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा दैट इज फ्रेशट कोट डॉट इन तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एंड लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फी जो एप्लीकेशन फी रखी गई है फॉर दरल कैटेगरी ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी के लिए दट इज हंड्रेड रुपीज़ एंड फॉर अदर कैटेगरीज देर इज़ नो एप्प्लीकेशन फी सो लेट्स सी हाउ कैन अप्लाई फॉर दिस एप्प्लीकेशन जो इसका लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा सो so जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे सो यू विल डिरेक्टेड टू दवर ऑफिशियल पेज दट इज जॉब फॉर फ्रेशर्स डॉट को डॉट इन सो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी लाइक एंड ओवर व्यू मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एज लिमिट और जो सैलरी डिटेल्स हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है और प्लस यहाँ पे आपको जो भी सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन हियर यू विल सी हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी सीएचएसएल एंड फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन यू कैन डाउनलोड इट बाय क्लिकिंग ऑन क्लिक हियर यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अर व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर डेली जॉब अपडेट सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन क्लिक हियर ओके सो लेट्स फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एस जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई लिंक सो यू विल भी डिरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज नाउ हियर फर्स्ट यूनिट टू लॉग इन अगर आपके पास लॉग इन क्रीडेंशियल्स नहीं है तो वट यूनिट टू इज जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर्ड नाउ पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है सो दिस इज गोइंग टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी पासवर्ड क्रिएट करना होगा एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में योर एड्रेस एंड एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी होगी एंड इन द डलेरेशन जस्ट यू नीड टू कंफर्म वैदर ऑल द इनफॉर्मेशन प्रोवाइड बाईज करेक्ट ऑन नॉट एंड एट लाइट जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर सो जैसे आप कंटेंट में क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा सो यहाँ पे आपको अपनी पहले आधार डिटेल्स फिल कर लेनी है ड्यू यू हैव आधार कार्ड यस और नो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड सो यहाँ पर इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं नाउ हीयर जस्ट राइट योर नेम यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ योर फादर्स नेम योर मदर्स नेम यहाँ पर आपको टेंथ डिटेल्स डाल लेनी है टेंथ क्लास की एंड ही टू फिल आउट योर रोल नंबर ईयर ऑफ पासिंग हाइस्ट क्वालफिकेशन सो हाइस्ट क्वालिफिकेशन में अगर आपने आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ आप पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है योर मेल आई डी एंड जस्ट क्लिक ऑन सेवन नेक्स्ट सो नेक्स्ट वन इज पासवर्ड क्रिएशन यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है एंड आफ्टर दिस एडिशनल डिटेल्स में यहाँ आप पे आपको अपनी एड्रेस uh, वगैरह फिल कर लेना है एट लास्ट डिक्लेरेशन पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है सो so, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे आपको मेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा सो आफ्टर दैट यू नीड टू लॉग इन थ्रू योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दी पासवर्ड विच यू हैव क्रिएटेड एंड जस्ट फिल आउट दिस कैप्चे एंड क्लिक ऑन लॉग इन सो वन शुड डन विद द रजिस्ट्रेशन नाउ यू नीड टू लॉग इन सो जैसे आप लॉग इन करोगे थ्रू द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दी पासवर्ड विच यू हैव क्रिएटेड ओके सो यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन दिख जाएगा यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है ओके सो नाउ हियर यू नीड टू गो थ्रू दी फाइव स्टेजेस द फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है दैट इज़ कैंडिडेट इनफॉर्मेशन एंड उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स एंड द सेकंड स्टेप है एडिशनल इफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस वगैरह फिल कर लेना होगा एंड द थर्ड ऑप्शन इज द अपलोड सेक्शन यहाँ पे आपको अपनी मार्क्सीट और अपनी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे सो द लास्ट ऑप्शन इज द प्री सेक्शन हियर यू नीड टू चेक वेदर ऑल द इफॉर्मेशन प्रोवाइड करेक्ट और नॉट बिकॉज हियर यू विल नॉट गेट चांस After submitting the application form to correct it again. So you have to ensure that Jobia form field information that should be correct. And once you're done with that, the last the last one is the submit application form. So once you submit the application form, आफ्टर दैट यूनिट टू पे दी एप्लीकेशन फी जो कि हंड्रेड रुपीज़ है फॉर दि जनरल कैटेगरी ई डब्ल्यू एस और ओ बी सी वालों के लिए एंड फॉर अदर कटेगरी इट्स फ्री यू डू नॉट हैव टू पे एनी थिंग फॉर दैट सो वो 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 वन शूड डन विद डैट आपका एप्लीकेशन फॉर्म इजिली सबमिट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आपको मेल uh, भी आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल सब्मिटेड सो नाउ जस्ट वेट फॉर द एग्जामिनेशन डेट एंड प्रिपेयर वेल फॉर यूर एग्जामिनेशन जो सिलेबस है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ थ्रू आवर वेबसाइट ओके इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज वेल फिलिंग आउट्लीकेशन फॉर्म और इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म और टू शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म so do let me know in the comment section and for most of the videos please like this video and subscribe to our youtube channel and i will see you in the next video till then take care stay safe and bye bye